अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो और अभी तक आपका राशन कार्ड जो है नहीं बना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। इसमें पूरा प्रोसेस बताया हूँ कि किस प्रकार से आपको राशन कार्ड बनवाना है और कैसे बनवाना है और किस प्रकार से आपको राशन कार्ड जो है बना के जो है उसका फ़ायदा लेना है। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने के साथ साथ चैनल पर भी नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल करके प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ सबसे पहले जो है आप लोगों को अपडेट मिल जाए। दोस्तों इस प्रकार से आपको एक जो है आपको एक जो है वेबसाइट मिलेगा। वेबसाइट कैसे मिलेगा, यहाँ पर लिखा हूँ मैंने साफ साफ जो है क्या लिखा हूँ कि जो है गूगल पे जाके लिखा हूँ khadya.cg.nic.in करके लिखा हूँ, ठीक है। तो ये वाला साइट ओपन हो गया। अगर आपको ये साइट ओपन नहीं हो रहा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर फर्स्ट में आपको लिंक मिलेगा। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे इस साइट पर आप पहुँच जाओगे। इस साइट पर पहुँचने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो जो जो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो जो विस्तार से आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना जरूरी है, ठीक है। जो आवेदन करने वाले हैं उनका आधार कार्ड होना जरूरी है। और मेन बात यह है कि जो है जितने भी सदस्य हैं, मान लो बात 3 सदस्य हैं या तो 4 सदस्य हैं, तो उनका सभी का आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। जो आवेदन करता है उनका तो आधार कार्ड होना ही होना है, लेकिन जो जितने बाकी सदस्य हैं 2-3 सदस्य हैं उनका भी आधार कार्ड होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको एक जो है फ़ोटो लगेगी, ठीक है। फ़ोटो आपको लगेगी, एक फ़ोटो जो जो मुखिया हैं उनका एक फ़ोटो लगेगा, और साथ में उनका मोबाइल नंबर लगेगा, ठीक है, मोबाइल नंबर लगेगा। तो इतना डॉक्यूमेंट आप जो है संलग्न कीजिए, मतलब रखिए। उसके बाद जो है यहाँ इस साइड पे आइए। इस साइड पे आने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस साइड पे आने के तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, सामान्य APL राशन कार्ड है तो आवेदन सर घोषणा पत्र, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको एक जो है PDF डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद जो है दोस्तों इसको जो है आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद मैंने बताया था कि आपको एक फ़ोटो लगेगा, जो मुखिया का फ़ोटो है, यहाँ पर उसको चिपका देना है, ठीक है, यहाँ पर चिपका देना है। चिपकाने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर क्या करना है, इस पर चिपकाने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपने जो सरपंच है या तो ग्राम सचिव है उनका यहाँ पर फ़ोटो में साइन सील करवा लेना है, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, वार्ड है तो वार्ड लिए ग्राम पंचायत यहाँ पर लिखना है। उसके बाद तहसील, यहाँ तहसील विकास खंड यहाँ पर दिया गया है, इसको लिखना है। उसके बाद जिला लिखना है, ठीक है। जिला लिखने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जैसे कि कार्ड धारक के नाम दर्ज है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको कार्ड धारक का नाम दर्ज करना है। हिंदी में कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हिंदी में ही कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पिता पति का नाम, उसका जो पिता है या पति है उसका नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर जाति यहाँ पर दिया गया है, उसको लिख देना है। आवेदक का वर्तमान पता, यहाँ पर आपको जो है उनका जो है मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ला ग्राम या वार्ड ग्राम पंचायत, ये सब यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों खाताधारक के अनुसार आवेदक की जन्मतिथि, आपको यहाँ पर उनकी जन्मतिथि भी डाल देना। आवेदक का मतदाता परिचय पत्र क्रमांक, यहाँ जैसे कि मतदाता परिचय जो परिचय पत्र होता है, वोटर आई डी कार्ड होता है, उसका जो है परिचय पत्र जो क्रमांक रहता है उसको यहाँ पर फिल कर देना है, मतलब लिख देना है। उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर, उसके आवेदक जो मोबाइल यूज़ करता है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर जो है डाल देना है। उसके बाद जो संलग्न किए जाने वाले उचित मूल्य का नाम, यहाँ पर जो है उचित मूल्य आपका जो एरिया में कौन सा उचित मूल्य है, कौन से उचित मूल्य दुकान से आपके गाँव के लोग जो है सामान ले रहे हैं, उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आवेदक के परिवार के सदस्यों का विवरण, हाँ जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आपके जो परिवार है, जो आप आवेदक कर रहे हैं उनके जो परिवार है, चाहे महिला हो सकती है चाहे पुरुष हो सकती है, तो उनका जो है यहाँ पर जो है आधार कार्ड के नाम के अनुसार यहाँ पर उनको नाम लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड में जो जन्मतिथि है, जो जन्मतिथि है उसी को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद उसका लिंक महिला है या पुरुष है, ये सब लिखना है। उसके बाद दोस्तों आवेदक के मुखिया के संबंध, मतलब आवेदक के मुखिया के संबंध कहने का मतलब ये है कि वो उसका बेटा है, बेटी है, क्या है, पति है, पत्नी है, ये सब आपको यहाँ पर दर्शा देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आधार कार्ड क्रमांक, मतलब आधार कार्ड का जो नंबर होता है, यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, नीचे आते हुए स्क्रॉल करेंगे, और स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर घोषणा पत्र दिया गया है, तो यहाँ पर स्थान लिख देना है, दिनांक लिख देना है, आवेदक का हस्ताक्षर, यहाँ पर उसका नाम लिख देना है और हस्ताक्षर कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भौतिक सत्यापन,
तो यहाँ पर साफ कहा जा रहा है कि इस जो ये जो फॉर्म है ये जो है आपको भरना नहीं है, इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको जो है जैसे ही आप इसको जमा करेंगे अपने ग्राम सचिव के पास जमा कर सकते हैं, या तो आप जो है ब्लॉक जाके अपने जो नज़दीकी ब्लॉक है, जैसे कि मेरा ब्लॉक है उस ब्लॉक में मैं जाके इसको जो है जो अधिकारी रहते हैं उनको मैं सौंप दूंगा, और जो है साथ ही साथ मैं जो है कुछ डॉक्यूमेंट भी दे दूंगा, जैसे कि मेरे को जैसे कि मेरे को आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड की जेरोक्स कॉपी चाहिए, और जो है साथ ही साथ मेरे को जो है सभी का आधार कार्ड की जेरोक्स कॉपी चाहिए, मतलब जितने सदस्य हैं उनका जो है आधार कार्ड की जेरोक्स कॉपी चाहिए, और साथ में जो है बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, तो जो है खाता होता है पासबुक होता है उसको फोटोकॉपी चाहिए। ये सारा चीज़ मैं जो है इनके साथ सरल कर दूंगा, मतलब इसको साथ ही साथ उसको जो है अटैच करके अधिकारी को सौंप दूंगा। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आवेदक की जो पावती है यहाँ पर देख सकते हैं जो आवेदक हैं, जैसे कि उसको इनको ये जो इतना काट के उनको दे दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपसे जो है 10 रुपये का शुल्क लगता है, वो 10 रुपये का शुल्क आपसे लिया जाएगा, और लेने के बाद ये पावती आपको दे दिया जाएगा। देने के बाद जो है दोस्तों आपको करीबन 15 दिन तक इंतज़ार करना है, 15 दिन तक आपके जो ग्राम सचिव है उससे संपर्क कर सकते हैं, या तो ब्लॉक जा रहे हो तो ब्लॉक में जाके संपर्क कर सकते हैं। 15 दिन के बाद आपका जो राशन कार्ड है वो जो है बन के रेडी हो जाता है। 15 से 20 दिन का समय लगता है, और 15 से 20 दिन में आपका जो राशन कार्ड है वो बनके तैयार हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप ऑफलाइन जो है छत्तीसगढ़ के निवासी हो तो ऑफलाइन जो है आप आसानी से अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने जो तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उन लोग भी अपना राशन कार्ड बनवा सके, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो।